नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और सबका वेलकम करता हूं एक वीडियो टेक्निकल चहची पे। जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये है AU का स्मिथ X2। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि इसके अंदर क्या क्या स्पेशल फीचर देखने को मिलते हैं, ये इंडिकेटर्स क्या है और क्या इंडिकेट करते हैं, क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है इस AU X2 स्मिथ फिल्टर में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है AU का स्मिथ X2 वाटर प्योरीफायर। जैसा आप देख सकते हैं, नॉर्मली काफी स्मार्ट प्योरीफायर है और सिर्फ एक ही कनेक्टिंग केबल इसके अंदर जा रही है जो कि आपका पानी प्रोड्यूस करेगी, वो है ये। अब इसके फीचर्स की बात करूं तो जैसा आप देख सकते हैं कि अगर मैंने ग्रीन लाइट जैसे ही ऑन किया है तो इसके अंदर वाटर प्योरीफाइंग शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट। इसके अंदर जो एक स्टोरेज है यहाँ पे, उसके अंदर पानी भरेगा और अगर आप चाहते हो एट अ टाइम निकालना तो आप वो भी निकाल सकते हो इस प्लग के थ्रू। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आराम से निकलाएगा या फिर शॉर्ट ऐसे करके। तो नॉर्मली इसमें सिर्फ एक ही आ रहा है कोल्ड का, इसके और हायर अपग्रेड्स आते हैं जिसमें कि आपको और ज्यादा मिल सकता है गर्म पानी का भी कोल्ड का। तो इसमें फिलहाल सिर्फ नॉर्मल ही वाटर आता है जो कि ऑन स्टोर हो रहा है पहले। और अब मैं इसके अगर ये बात करूं यहाँ पे LEDs की, मैं इस बारे आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ दोबारा। जैसे मैं स्टार्ट करूंगा तो आपको यहाँ पे चार बटन नजर आएंगे। ये आपका यूवी फिल्टर चेंज करने का बताएगा, ये आपको बताएगा कि भाई यूवी फिल्टर अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो रेड में, और जब टैंक फुल हो जाएगा तो यहाँ पे फुल लिखा आ जाएगा। अब जैसे मैं इसकी पावर ऑफ करूंगा तो आप सुन रहे हैं कि आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, वाटर प्योरिफिकेशन रुक गया है। और तो आपका वाटर पाइप जो है वो ऑलमोस्ट ऑन रहेगा हर टाइम, पर जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे, पावर कट करेंगे तो वाटर प्योरिफिकेशन रुक जाएगा और बाद में जब आप रिज्यूम करेंगे तब वो दोबारा रिज्यूम हो जाएगा। तो एक काफी अच्छा फिल्टर है, मुझे एटलीस्ट वाटर टैप ऑन करने की जरूरत नहीं है। सपोज करो कि मैं घर में अगर टाइम पे ही पानी आता सुबह या शाम तो मैं इसको ऑन कर छोड़ सकता हूँ, जैसे ही पानी आएगा वो वाटर प्योरिफिकेशन अपने आप दोबारा शुरू कर देगा। तो काफी अच्छा फीचर है और अपने आप कट हो जाएगा जब यहाँ पे फुल हो जाएगा। तो जब मैं उठूंगा तो मैं अपनी बॉटल्स भर सकता हूँ नॉर्मली, अगर मैं चाहता हूँ कि सारा दिन इसी में स्टोर करना तो इसी के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। नॉर्मली इसके अंदर 5 लीटर की स्टोरेज दी गई है अंदर कैपेसिटी के अंदर, और यहाँ पे अंदर की साइड पे यहाँ पे कैंडल है, यहाँ पे कैंडल है और एक यहाँ पे कैंडल, तो ऑलमोस्ट 4 कैंडल्स का इसके अंदर प्योरिफिकेशन दिया गया है। तो ये सिंपल ही UV+UF है, इसके अंदर कोई RO सिस्टम नहीं है। RO में क्या होता है कि नॉर्मली काफी सारा पानी वेस्ट हो जाता रहता है, तो मुझे नॉर्मली पानी वेस्टेज नहीं करना था, सिर्फ सिंपल ही रखना था। तो बस यही था वाटर प्योरिफिकेशन AU स्मिथ X2 का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं हूं मनीष और मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में।